हे कमल नयन, क्या हो रहा है संसार में? शक्ति और सत्ता पाकर रक्त की प्यास इतनी क्यों बढ़ जाती है? अहंकार बुद्धि को कैसे भ्रष्ट कर देता है? निष्ठुरता मन में कैसे वास कर लेती है? देखिए ना, हिरण्यकशिपु ने एक छोटे से बालक के निर्दयता से केवल इसलिए टुकड़े टुकड़े कर दिए कि उसका नाम आपके नाम जैसा था। क्या किसी का नाम भी उसके वध का कारण बन सकता है? निस्संदेह ये क्रूरता है महादेवी, निस्संदेह ये क्रूरता है। ये केवल मानव पुत्र का नहीं वरन सभ्यता का वध है। पर हे महादेवी, स्मरण रखिए, जान लीजिए कि निर्दयता पतन का पहला चरण होती है और हिरण्यकश्यपु अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार दीपक की लौ बुझने से पहले भड़कती है, उसी प्रकार क्रूरता भी पतन से पहले पूरी शक्ति से उभर आती है। पर हे पद्मनाभ, कैसे होगा दुष्ट हिरण्यकश्यपु का विनाश? उसने तो निर्ममता की सीमा लांघ ली है। हे महादेवी, जो सीमा लांघता है उसे तो ये ज्ञान ही नहीं होता कि सीमा के आगे कोई मार्ग ही नहीं है। निष्ठुरता की सीमा के आगे केवल पतन का द्वार खुला होता है। पर हे कमल नयन, अब कब होगा उसका पतन और कैसे होगा? महादेवी, हिरण्यकश्यपु की क्रूरता उसके विरुद्ध घृणा की ज्वाला भड़काएगी। उसके अत्याचार मानव को उसके विरुद्ध एक होकर खड़ा होने पर विवश कर देंगे। रक्त की ये धारा केवल धरती को ही नहीं, स्वयं उसके घर को भी डुबो देगी। हे महादेवी, वो मूर्ख क्या जाने कि उसकी मृत्यु की सामग्री तो राजभवन में आ चुकी है। जिस पुत्र प्रह्लाद को वो मेरा सबसे महान शत्रु बनाना चाहता है, वही प्रह्लाद उसके अहंकार का सर्वनाश कर देगा। जिस प्रकार समुद्र को यह ज्ञान नहीं होता महादेवी कि उसकी गहराइयों में ज्वार पल रहा है, उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु को भी यह ज्ञान नहीं है कि उसके ईश्वरत्व को ललकारने वाला स्वयं उसके राजभवन में जन्म ले चुका है। महादेवी, यह कथा बहुत रोचक है। महादेवी, यह कथा बहुत रोचक है और इसका हर मोड़ अधिक रुचिकर होगा। पर आप चिंता न कीजिए देवी, जब अत्याचार अपनी सीमा से आगे बढ़ जाता है तो निस्संदेह उसका अंत भी हो जाता है।